हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी क्लास में आप सभी जुड़ जाइए, जो साथी क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले 83 मई जून एग्जाम 2023 का मैराथन क्लास, जो कि 10 का वीडियो लेकर आया हूं। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला स्टूडेंट इस क्लास में, जल्दी इस क्लास में जुड़ जाना आप सभी को, जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी स्टूडेंट। जो बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। और इसके सभी पार्ट्स आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें। तो आप सभी जो प्रीवियस जो नए बच्चे आए हैं, आप सभी प्रीवियस क्लास को अवश्य देखें, जो क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें 83 चैप्टर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है, 83 मई जून मैराथन क्लास है, 83 मई जून सीरीज जो चल रही है। आप सभी को सभी प्रीवियस क्लास को अवश्य देखना है क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल सीरीज है स्टूडेंट। तो आप सभी को प्रीवियस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, तो आज की क्लास में ये बी क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी को इस क्लास में लास्ट तक बन रहना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट। तो आप सभी जल्दी इस क्लास में जुड़ जाइए। जो साथी क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स, जल्दी से कब जुड़ जाना है आप सभी को क्लास में कि आज क्लास कंटिन्यू किया जाए। पहले बच्चों जल्दी क्लास में जुड़ जाइए आप सभी, और जो साथी क्लास में आ चुके हैं क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि समय पर सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव से रन होता है? मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव से रन होता है? तो बताना आप सभी को, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन फ्रॉम अ डिस्क ड्राइव? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, आप सभी को लाइव सेक्शन में इस सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। जो साथी इस क्लास को लास्ट में देख रहे हैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है स्टूडेंट। बताइए आप सभी जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डॉस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया होगा बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस बैंकिंग को सीखने पर गवर्नमेंट जॉब मिलती है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी, निम्नलिखित में से किस हैकिंग को सीखने पर गवर्नमेंट जॉब मिलती है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैकिंग गिव्स अ गवर्नमेंट जॉब ऑन लर्निंग? तो जल्दी बताना आप सभी को, जो कि ऑप्शन नंबर ए इथिनल हैकिंग, ऑप्शन नंबर बी है मैलवेयर इंजेक्टिंग सर्वर डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी है मिसिंग सिक्योरिटी पैचेस, ऑप्शन नंबर डी है अटैकिंग। तो बताइए सुनता सभी, क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इथिकल हैकिंग। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? विच कमांड इज यूज टू व्यू द कैलेंडर इन लिनक्स? जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं आप सभी के लिए, तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा। बताइए सुनता सभी, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन, लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कैल। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, ओटीपी जनरेट करने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी, विच मैन मेथड इज नॉट वैलिड फॉर जनरेटिंग ओटीपी? तो जल्दी बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रजिस्टर्ड पोस्ट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया था? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी, क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया था? आप सभी को बताना है, जल्दी से बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया था? तो व्हेन वाज द क्यूआर कोड इन्वेंटेड? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए सभी, इसका क्या राइट ऑप्शन हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1994 में क्यूआर कोड को आविष्कार किया गया था इसमें। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, पोकेमॉन गो किस प्रकार का खेल है? तो व्हाट टाइप्स ऑफ गेम इज पोकेमॉन गो? जल्दी से बताइए सभी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एआर गेम। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए? बताइए सुनता सभी, नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड होना चाहिए? तो विच ऑफ द फ्लोइंग कार्ड्स शुड बी प्रेजेंट इन द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क? तो जल्दी से बताना आप सभी को, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एनआईसी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में इंक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट को डेस बदल देता है? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा?
विच ऑफ द फ्लोइंग इनक्रिप्शन एल्गोरिथम कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स्ट टू, तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 इज इक्वल टू क्वाड्रेंट ब्रैकेट 509.8.7 का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 72, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं, तो क्या प्रदान करती हैं स्टूडेंट्स आप सभी को बताना है। मेनी सोशल मीडिया साइट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड फॉर वैलिड अकाउंट वेरिफिकेशन, तो जल्दी से बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 2-स्टेप वेरिफिकेशन, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना औद्योगिक शब्दावली नहीं है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना औद्योगिक शब्दावली नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर लाइट स्टोरेज, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए सभी इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है, रीडिंग और लर्निंग अ सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज एन एग्जांपल, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है। आज जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट, जल्दी से कीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ई लर्निंग, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के बीच क्या कर सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी, थ्रू इंटरनेट मैसेजिंग कैन बी डन बिटवीन पीपल, बताइए स्टूडेंट्स सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। इंटरनेट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के बीच क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी, बताइए स्टूडेंट्स सभी भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुई थी, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इंडिया थ्रू होम, तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर BSNL, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट इसका BSNL का है, तो इंटरनेट सर्विस वेयर लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन 15 अगस्त 1995 में BSNL ने किया था, मेरे प्यारे बच्चों इंटरनेट का जो पहला सर्विस था जो लॉन्च किया गया था वो 15 अगस्त 1995 में BSNL ने लॉन्च किया था, जिसका नाम है BSNL का फुल फॉर्म होता है जो कि विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें है कि इन नवंबर 1998 द गवर्नमेंट ओपन्ड अप द सेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस बाय प्राइवेट ऑपरेटर, प्राइवेट ऑपरेटर को गवर्नमेंट ने 1998 में इसको ओपन का सेक्टर प्रोवाइडिंग किया था। ओके स्टूडेंट, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, मैक एड्रेस का अर्थ है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक एड्रेस, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। मैक एड्रेस का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक एड्रेस, जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, तो व्हाइल सेंडिंग ईमेल व्हिच लाइन टेल्स अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज, तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सब्जेक्ट, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, प्राय ईमेल किस केस में होता है, इन विच कैस इज ईमेल जनरली यूज, बताइए शुनका सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर लोअर केस, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर भाषा में त्रुटि एरर में हो निम्न में से क्या कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एरर इन कंप्यूटर लैंग्वेज, तो जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर बग, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं, तो द पर्सन हु राइट्स कंटेंट फॉर द ब्लॉग, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। जो साथी क्लास में आ चुके हैं क्लास को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट, तो जल्दी से कीजिए आप सभी, तो जल्दी जल्दी बताना है आप सभी को सभी क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ब्लॉगर, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, टेलीग्राम उदाहरण है, टेलीग्राम इज एग्जांपल, तो बताइए स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इंस्टेंट मैसेजिंग, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, वे डिवाइस जिनका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन, तो बताइए स्टूडेंट्स सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा।
वे डिवाइस जिनका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताना आप सभी को, ये एक मॉक टेस्ट है, आप सभी को बताना जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मॉडेम। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज द मेकिंग ऑफ एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कॉल्ड, जल्दी से बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वेब पोस्टिंग। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एग्जांपल ऑफ, जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सिंप्लेक्स। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी, इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर इंटरनेट नेटवर्किंग, जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, TCP/IP। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। HTML का पूर्ण रूप बताना है आप सभी को, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, IIS का पूरा नाम क्या है। मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IIS, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, यूनिवेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था, तो बताइए सुनता तभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यूनिवेक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जल्दी बताना आप सभी को ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स, जी बच्चे ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, नीम में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी, इसमें आप सभी को ये बताना है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सा एक है जो दोनों होता है, बताना आप सभी को, जो कि ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉडेम है, मॉनिटर है, तो जल्दी बताना आप सभी को आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मॉडेम एक ऐसा ओ एच फ्रेंड्स जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न जो है वो इनपुट भी है और आउट भी है, आउटपुट भी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस, बताइए हमका सभी, नहीं है। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है आप सभी बताना है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो जल्दी बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्कैनर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ। मेरे प्यारे बच्चों हु आर द माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटर, जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 1971। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, इनमें किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट, तो जल्दी बताइए आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। निम्न में किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस डी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, UTR का पूरा नाम होता है, तो द फुल फॉर्म ऑफ UTR, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। 32 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यूनिकोड ट्रांजेक्शन रेफरेंस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, किस प्रकार के ट्रांजेक्शन में UTR नंबर जनरेट होता है। इन विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज द UTR नंबर जनरेटेड, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, तो RTGS एंड NFT दोनों होता है इसमें। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, पेज ब्रेक करने की सॉफ्टवेयर कुंजी क्या होती है। द सॉफ्टवेयर की टू ब्रेक द पेज इज, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस इंटर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज टू क्रिएट मल्टी यूजर्स, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू, तो जिस बच्चे ने ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, स्प्रेड शीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए प्रेस करेंगे, बताइए आप सभी क्या प्रेस करेंगे, आप सभी बताना है, जल्दी बताइए आप सभी।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी बोथ। इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, इनमें नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू नेट बैंकिंग। बताना है स्टूडेंट आप सभी को कि इस ऑप्शन में जो नेट बैंकिंग रिलेटेड नहीं है वो ऑप्शन आप सभी को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपकी, ऑप्शन नंबर बी आरटीजीएस, ऑप्शन नंबर सी है डीमैट ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डिमांड ड्राफ्ट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट इटरेटिव स्लाइड पर जंप करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, द शॉर्टकट की टू जंप टू लास्ट इटरेटिव स्लाइड इज, जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। तो बताइए सुनता सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इंटरप्रेटर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, डॉट नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो व्हाट इज डॉट नेट डोमेन यूज्ड फॉर, बताइए सुनता सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताना आप सभी को, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉर द नेटवर्क रिलेटेड कंपनी एंड सर्विस प्रोवाइडर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, अगली वर्कशीट में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है स्टूडेंट, द शॉर्टकट की टू गो टू नेक्स्ट वर्कशीट। जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, मैपी का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, द फुल फॉर्म ऑफ मैपी इज। जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है। मैपी का फुल फॉर्म बताना है आप सभी को, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है, व्हिच सर्वर इज यूज्ड फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। बताइए स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, क्लास को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट, जल्दी से क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट। अब जल्दी से बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, चार्ट सर्वर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 है, साइटा का पूरा नाम क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, SATA का पूरा नाम बताना है आप सभी को, जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, यूपीआई का विस्तारित रूप है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी, व्हाट इज द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ यूपीआई, जल्दी बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप भी एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा स्टूडेंट। जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, यूपीआई का विस्तारित रूप क्या हो सकता है स्टूडेंट, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की है, तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, बताइए स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन बताना है आप सभी को, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एम। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं, तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जल्दी बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल दिस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जा सकता है, हाउ कैन अ स्लाइड बी स्टॉप, बताइए फ्रेंड्स आप सभी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बाय प्रेसिंग द एस्केप की। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, 2000 रुपए का नोट का रंग कैसा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द कलर ऑफ आरएस 2000 नोट, तो जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मैग्नेटा। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल है। मेरे प्यारे बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स आर देयर इन द प्रेजेंट क्लाउड, जल्दी बताइए सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 3। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इज, तो बताइए साहब सभी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा आप सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या हो सकता है,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आउटपुट। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, कैलक स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे? बताइए हम सभी, कैलक स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे? विच मेनू विल यू चूज टू हाइड द रो एंड कॉलम इन कैलक स्प्रेडशीट? तो बताइए आप सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर व्यू। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, लिब्रे ऑफिस कैलक में नहीं पाया जाता है, तो नॉट फाउंड इन लिब्रे ऑफिस कैलक, क्या नहीं पाया जाता है स्टूडेंट्स आप सभी बताना है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या नहीं पाया जाता है सभी बताना है। लिब्रे ऑफिस कैलक में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता स्टूडेंट आप जल्दी बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो व्हाट इज द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी, विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है आप सभी बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, टू गो फुल स्क्रीन इन राइटर डू यू प्रेस द शॉर्टकट की? मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए आप सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, कौन सा शॉर्टकट प्रेस करते हैं स्टूडेंट जल्दी बताना आप सभी को। नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा है तो अब मैं आपको 100% ग्रांट लेता हूँ, एक एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि समय पर सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहा। और एक चीज अब आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला स्टूडेंट जो क्लास में नए आए, आप सभी को इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे जो तिरुपति से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि आप सभी को देखना चाहिए एग्जाम से पहले। तो आप सभी क्लासेज को अवश्य देखिए। अगर आप तिरुपति में अगर अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हैं तो हमारी जितनी भी सीरीज चल रही है, तिरुपति मई जून का मैराथन क्लास है, तिरुपति मास्टर क्लास है, तिरुपति चैप्टर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो सब सीरीज को भी देखिए। आप अच्छे तरीके से अगर आप ग्रेड पास होना चाहते हैं तो सभी सीरीज को आप देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।